हिमाचल प्रदेश वन विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संयुक्त तत्वाधान में 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला शहरी के बाग क्षेत्र में देवदार का पौधा लगाकर शुभारंभ किया। प्रदेश के लोगों को पौधारोपण के लिए आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश यहाँ की प्रकृति के लिए जाना जाता है, इसलिए सभी लोगों को इसका सौंदर्य बरकरार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है, यानी अगर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाता है तो उसको 10 पुत्रों का समान फल मिलेगा। इसलिए हिमाचल प्रदेश की हरियाली के लिए लोगों को बढ़ चढ़ कर आगे आकर पौधे लगाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर दुनिया भर में चिंतन चल रहा है और कार्बन को घटाने की बात सभी देश कर रहे हैं। भारत इस दिशा में सबसे आगे है। इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि शिमला स्थित राजभवन को 19 अगस्त से आम जनमानस के लिए खोलने का उन्होंने निर्णय लिया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की जाएगी। देखिए 74वां वन महोत्सव है और सबसे पहले तो मैं इसमें वन विभाग के लोगों को अपनी शुभकामना देता हूँ। उसके बाद उन सभी लोगों को शुभकामना देने का काम करता हूँ जिन लोगों ने वृक्षारोपण को अपनाया है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हरितिमा यहाँ की अपनी शोभा है, तो इस नाते सभी लोगों को मिल कर करके इसको और हरित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो प्रकृति स्वयं हिमाचल को वनों से आच्छादित की है, लेकिन हम सब लोग मिलकर करके अगर एक भी वृक्ष लगाएंगे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। और अब तो भारत की आबादी इतनी बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से आबादी घटानी चाहिए और वृक्ष लगा कर करके एक वृक्ष 10 पुत्र के समान कर करके आबादी बढ़ानी चाहिए। मैं जो समझता हूँ कि वृक्षों को पूरी तौर पर अगर करेंगे तो अगर एक वृक्ष लगाएंगे तो उनको 10 पुत्र का फल मिलेगा। तो हिमाचल वासियों की वृक्ष लगाने के नाते संख्या बढ़ेगी और वह देवभूमि पूरी तौर पर बनी रहे। शनिवार और रविवार ये 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन बाहर से आने वाले लोगों को, हिमाचल वासियों के लिए और विशेष करके बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों को और बताना जरूरी है कि हेरिटेज बिल्डिंग्स क्या होती है, ताकि वह आगे बढ़ करके उसकी सुरक्षा कर सके। और उसमें कई चीजें अभी और है, जैसे शिमला समझौता हुआ है उसका भी एक वो है, जितने राज्यपाल आए हैं उनका क्या क्या दृष्टिकोण रहा है, ये सब दृष्टि से वहाँ के जो वैभव है वो वैभव वहाँ के भवन से है, वहाँ पर जो कार्य हुए हैं उससे है। तो मुझे लगता है कि उसकी सुरक्षा के दृष्टि से भी प्रयत्न करना चाहिए और दर्शनीय स्थल भी बनाना चाहिए। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।